हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है और किन किन बीमारियों में इसे हम यूज करें और इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारा चैनल पर आप नए हैं, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बेलाडोना। बेलाडोना एक पॉलीक्रप होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एक्यूट कंडीशन में, यानी जो बीमारी तुरंत हुआ अचानक से है, उसके लिए बेलाडोना बहुत बढ़िया दवा है। चलिए इसके हम मेंटल सिम्टम के बारे में बात करते हैं। बेलाडोना के मेंटल सिम्टम, बेलाडोना का जो रोगी होता है, जो पेशेंट होता है, रोगी जो बहुत हट्टा कट्ठा और मजबूत होता है, ताकत बहुत होता है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा आता है तो उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और गुस्से में कुछ सामान तोड़ फोड़ करने लगता है। तो अब बेलाडोना का साइनम सिम्टम मेंटल सिम्टम लक्षण है, तो आप बेलाडोना के आप 30 SH पोटेंसी आप दीजिए, आपको बहुत अच्छा उसमें लाभ मिलेगी। अब बात करते हैं उसका। दोपहर 3 बजे से सिर दर्द स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है दोपहर 3 बजे से सिर दर्द स्टार्ट होता है और रात्रि 3 बजे तक सिर दर्द करता है। अचानक से दर्द आता है और 10 मिनट तक रहता है और फिर वापस चला जाता है, और पीछे सिर करता है तो उसे चक्कर आने की लगता है, महसूस होता है। तो आप बेलाडोना आप 30 SH पोटेंसी में दवा दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलती है। अब चलते हैं आँख की तरफ, यानी आइस आइस की बदल, आँख में आई फ्लू की तरह हो जाता है, आँख लाल हो जाता है, दोनों आँख, एक आँख पूरा रेडनेस छा जाता है, पूरा रेडनेस हो जाता है, आँख लाल हो जाता है और उसमें बहुत तेज होता है, तेज दर्द रहता है और उसमें बहुत जलन रहता है। तो आप बेलाडोना 30 SH पोटेंसी में दवा 7 रोज लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, 7 रोज में बीमारी बिल्कुल ठीक हो। अब चलते हैं फीवर की तरफ, यानी बुखार की तरफ। ये जो बेलाडोना का जो बुखार होता है, टाइफाइड वाइफाइड में नहीं काम करता है, इसका बुखार होता है कि अचानक आता है, इसका बुखार अचानक आता है और अचानक चला जाता है। तो आप बेलाडोना दीजिए, आपको बहुत, बेलाडोना 200 पावर में आप दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब टॉन्सिल की तरफ, टॉन्सिल जिसको टॉन्सिल हो गया और टॉन्सिल में लाल लाल हो गया हो, टॉन्सिल उसमें बहुत सूजन हो गया हो, उसमें दाने दाने हो गया, उसमें बहुत दर्द रहता हो और रेडनेस हो गया हो, तो बेलाडोना 200 पावर के दीजिए, आपको टॉन्सिल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉयस, यानी फोड़ा फुंसी के बारे में, जिसमें फोड़ा फुंसी, इसमें बहुत फोड़ा हो गया हो, फुंसी हो गई, उसमें बहुत तेज दर्द रहता हो, बहुत लाल रहता हो, रोगी उसे हाथ से छूने नहीं देता हो, फोड़ा फुंसी बहुत लाल हो गया हो, बहुत उसमें जलन रहता हो, उसमें सूजन रहता हो, उसमें दर्द रहता हो और रोगी जो पेशेंट होता है बेलाडोना का उस फोड़ा फुंसी को छूने नहीं देता हो, तो आप बेलाडोना दीजिए 30 SH पोटेंसी में, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। अब बात करते हैं एक्ने पिंपल्स के बारे में, जो एक्नेस हो गया हो, पिंपल हो जाता हो, बहुत उसमें रेडनेस रहता हो और रेडनेस रहता हो, उसमें बहुत दर्द होता हो, पेशेंट रोगी उसको छूने नहीं देता, उस फोड़ा फुंसी को अगर पिंपल हो गया हो आपको तो उसको रोगी छूने नहीं देता हो, तो आप एक बेलाडोना 30 SH पोटेंसी में दवा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। अब बात करते हैं गाउट के बारे में, गठिया, गठिया हो गया कि पूरे ज्वाइंट में आपको सूजन रेडनेस और बहुत पेन है, रोगी छूने नहीं देता हो, राइट साइड इसका बहुत अच्छा लाभ मिलती है, बेलाडोना का राइट साइड यानी दहिना साइड, जो गाउट होता है यानी गठिया होगा उसमें हर ज्वाइंट में सूजन दर्द रोगी छूने नहीं देता हो, तो आप बेलाडोना दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। बेलाडोना का सर्दी जुकाम और अचानक से सर्दी जुकाम आ गया और गर्म कमरे में जाना बहुत पसंद करता हो, तो आप बेलाडोना दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। सन स्ट्रोक, अगर आप लू लग जाना, यानी आप गर्मी में या गर्मी के दिनों में आप बाप आए और आपको लू लग गया, तो लू लग गया तो आप बेलाडोना देते हैं, ग्लोनाइन देते हैं आप दवा, चाहे हम भी देते हैं, लेकिन बेलाडोना को कैसे देना है, बेलाडोना के रोगी को अगर धूप में जाने के कारण लू लग गया, यानी लू लग गया तो उसमें बेलाडोना को लू लग गया तो बेलाडोना आएगा तो उसको पंखा नहीं चलाएगा और ठंडे कमरे में नहीं जाएगा, वो जो गर्म कमरे में जाएगा, कमरा बंद कर लेगा, कि बेलाडोना का एक साइनम सिम्टम लक्षण है कि गर्म चीज़ से इसे रिलीफ महसूस होती है और गर्म से इसको बीमारी हुआ यानी सन स्ट्रोक हुआ, फिर गर्म कमरे में जाना पसंद करेगा और ग्लोनाइन का ऐसा नहीं है, तो आप साइनम सिम्टम लक्षण मिला के दवा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। अचानक से सर्दी जुकाम हो गया और अचानक से चला गया तो आपको बेलाडोना दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। आपको वीडियो, हालांकि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, इसका मानसिक लक्षण हेड सिर आइज
ज्वाइंट पेन, अगर पेन कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर स्वेलिंग हो गया हो, उसमें बहुत रेडनेस होता हो, रोगी छूने नहीं देता हो, तो आप बेलाडोना दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अचानक से कोई बीमारी हो गया और अचानक से आता हो, अचानक से चला जाता हो, तो आप बेलाडोना दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।